आसानी से, कितनी आसानी से एक नन्हा पंछी शिकारी के जाल में फंस गया, जहां जाल भी शिकारी का, जंगल भी शिकारी का, और डाले हुए दाने भी शिकारी के। मतलब ये कि ये सारा माया जाल मेरा बनाया हुआ है। मैंने ही वो अदृश्य टापू बनाया, वो जादुई पारे वाली नदी, और वो पेड़ भी मैंने ही बनाया था जिसे बालवीर ने चुना। और मैं भी यही चाहती थी कि बालवीर उस पेड़ को चुने। सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा है, और अब बालवीर का अंत भी मेरी योजना के अनुसार होगा। इस बार वो नन्हा पंछी शिकारी के पंजे से नहीं बच पाएगा। ये है हमारा कॉरिडोर, और यहाँ पे है स्टाफ रूम। अब मुझे प्यून ने बताया कि ठीक 9 बजे हमारे रिजल्ट प्रिंट होके स्टाफ रूम में पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले कि रिजल्ट स्टाफ रूम में पहुंचे, हम ठीक 8:55 को इसी कॉरिडोर में होंगे। ओके, मतलब 8:55 ना? हाँ इडियट, पता है बड़ी इंग्लिश आती है। अब आगे सुनो, okay. अब बस करो बॉस, कितना समझाओगे? हाँ बॉस, हम आपकी तरह गधे थोड़ी है जो नहीं समझेंगे। लेकिन बस एक और बार समझो ना कि हमें क्या करना है पैसेज में। अच्छा इडियट, मैं ये आखिरी बार समझा रहा हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्यून जो है ना, वो यहां से ऐसे किस इडियट ने मुझे फुटबॉल मारी? सॉरी रोनी, रोहित केवल फुटबॉल दो ना। फुटबॉल चाहिए, ये ले। अरे इडियट, मुझे नहीं, उसे पकड़ो। ओके बॉस, जाओ। तूने मेरे प्लान पे फुटबॉल मारी ना, अब मैं तुझे फुटबॉल मार मार के मारूंगा। ये ले, दोबारा ट्राई कर ले। देखो दोस्तों, एक फुटबॉल दूसरे फुटबॉल को किक मार रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अरे इडियट, फंस कर रहे हो? ऐसे बॉस से होने से तो अच्छा है कि बॉस ही ना हो। हाँ बॉस, इससे पहले कि हम आपको लात मार मार के भगाए, आप बॉस की पोस्ट से रिजाइन करो। शट अप। क्या शट अप? हमें तो शट अप कर दिया, लेकिन जब पर पूरी क्लास आप पर ऐसे की रिजल्ट आने पर, तो पुणे कैसे शट अप करोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कि वो रिजल्ट क्लास पहुंचे, वो रिजल्ट मेरे हाथ में होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो डॉक्टर के पास चलो अभी। परियो, ये रहा अदृश्य टापू जैसा पेड़ और उसके जैसी बेल। जयवीर, समझो कि वो जो पेड़ है वो इमारत जिसके अंदर नवरत्न धातु, और हमें उस धातु को प्राप्त करने का अभ्यास करना है। और डुबा डुबा एक के हाथ में रेत घड़ी जो 1 मिनट की, इसलिए हमें ये पूरा अभ्यास 1 मिनट में खत्म करना है। ठीक है? ठीक है बाल, तो क्या तुम तैयार हो? हाँ बाल, मैं तैयार। चल अब रुको बालवीर, सबसे पहले आप दोनों अपना
धन मुझे दे दीजिए, हम संभाल के रखते हैं। हाँ। भागो! तुम्हारा अंत मेरी सबसे बड़ी चाहत है, चाहे इसके लिए जयवीर की जान खतरे में ही क्यों न पड़ जाए। जयवीर, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, जीत हमारी ही होगी। है नहीं कोई बात जयवीर, हो जाएगा, रखो हौसला, रखो हिम्मत, करो कोशिश फिर से। ये फागो! तैयार हूँ, आ जाओ। ठीक है। पहुंच गया। अब सोचो कि मैंने वो नवरत्न धातु प्राप्त कर लिया है और मैं वापस आ रहा हूं, तो तुम वापस जुड़ना शुरू करो। बहुत अच्छी, चलो। वाह, बहुत अच्छा बालवीर, 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 जयवीर, जयवीर, बालवीर, बालवीर, जयवीर। शाबाश जयवीर, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें बना के मैंने कोई गलती नहीं की। जयवीर, बालवीर, आज हमें यकीन हो गया है कि आप दोनों किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। आप दोनों वीरों की जोड़ी इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है। खुश रहो वीरों, खुश रहो। लेकिन कल ये जोड़ी टूट जाएगी, क्योंकि जब बालवीर नवरत्न धातु लेकर जयवीर के पास आएगा तो ऐन मौके पर जयवीर उसका हाथ छोड़ देगा और बालवीर उबलते हुए पारी की नदी में डूब के भस्म हो जाएगा। बालवीर के अंत के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जहां बुराई का होगा बोलबाला। डरा क्यों रहे हो मुझे? बॉस, आपको प्यून का वेट करना है, करो। मैं और केवल जा रहे, हम दोनों आपकी तरफ विले नहीं है। चल केवल। ए, 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 जा क्यों रहे हो? बस प्यून आता ही होगा। तुम। दो मिनट के दो एक्स्ट्रा पिज्जा लगेंगे बॉस। ठीक है, खिला दूंगा, लेकिन प्लान खत्म होने के बाद। लगता है प्यून आ रहा है, तुम लोग जाओ जल्दी। नहीं बॉस। अरे तुम लोग को पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक जो चाहिए सब दूंगा। hey,
तो लगता है इनसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे हे भगवान, ये क्या किया बेटा? सॉरी जादू काका, मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना। अरे तो करो ना। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ढूंढो। हाँ? क्या? मेरा मतलब है हेल्प करो। हाँ हाँ। अरे ये बाकी के कार्ड्स कौन उठाएगा? बस जो उठाना था उठा लिया। क्या मतलब? क्लास के लिए लेट हो रहा है ना काका। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो। अरे मुझे तो उठाओ। अंकल इस ट्रैक्टर को जरा पीछे से पुश करो। क्या मुसीबत है? अरे भगवान, कैसे कैसे बच्चे आते हैं स्कूल में। अब ना रहेगा चीज और ना बनेगा पिज्जा। क्या बॉस, ये गलत है। आपने हमें पिज्जा खिलाने का वादा किया था। बॉस आप हमें पिज्जा खिलाओ या हम आपकी सारी करतूतें जाके अभी सर को बोल देंगे। चल केवल चल। आ गए ना लाइन पर। इडियट्स, मैं मुहावरा कह रहा था, जैसे ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, वैसे ना रहेगा चीज ना बनेगा पिज्जा। अब मैं इस रिजल्ट के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। बॉस कुत्तों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। वो ऐसे हाथी का रिजल्ट नहीं खाते। हाँ बॉस, आजकल के कुत्ते पिज्जा बर्गर खाते। हाँ पता है मुझे। अब इस रिजल्ट को पटने से कोई नहीं बचा सकता। अब कोई बच्चा मुझ पे नहीं हंसेगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं फेल हो गया था। अरे बॉस ऊपर चेक तो कर लो, कुछ जीरो मिला है या माइनस वन। चुप, रॉनी अपनी फेलियर नहीं देख सकता। मानो मैं आज मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। वेरी गुड मानो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार तू फर्स्ट है और मैं सेकंड। नहीं मैम, तू फर्स्ट आएगी और मैं सेकंड। मानो तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तू फर्स्ट आएगा, मैं सेकंड आऊंगी। नहीं मैम, बोला ना एक बार तू फर्स्ट। देख रॉनी, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए पंगा मत ले। अगर मेरा मूड बिगड़ गया ना तो पीट दूंगी। चीटी हाथी को धमकी दे रही है। ए, चीटी किसको बोला? किसी को नहीं, मैंने तो इसको हाथी बोला। मुझे हाथी बोल रहा है? मारे चिल्लाने से ये दोनों डर सकता है, रॉनी नहीं। प्लीज रॉनी जाने देना, प्लीज छोड़ दे रॉनी प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ूं? आज तो नए सेशन का पहला दिन है और मैं अपनी चेतानियों की शुरुआत तुम दोनों से ही करूंगा। नहीं रॉनी, प्लीज जाने देना, प्लीज छोड़ दे रॉनी प्लीज। छोड़ दे। ओके। एक शर्त पे जाने दूंगा कि आज से तुम दोनों मुझे बॉस कहोगे, रॉनी बॉस। बोलो मंजूर है? एक मिनट, नहीं ना मानव ना मैं, हम दोनों तुझे बॉस कभी नहीं कहेंगे। अच्छा
कंगी है। रोहित केवल पकड़ो। अरे इडियट्स, मुझे नहीं मानो मेहर को पकड़ो। बस गज चूहे पिंजरे के अंदर, अभी बॉस को बुला के ला दो। अबे बॉस लोग अंदर है, चल को निकाल के ला दे। चलो दरवाजा मत करो, मेरी कार में स्प्रे पेंट पड़े हम लोग। ये बॉस आपकी कार को बाद में पेंट कर लेंगे, पहले मानो मेहर को तो निपट लेते। इडियट, पहले पूरी बात सुन तो लो। पेंट हम लोग कार पे नहीं, हम लोग मानो मेहर को पटा लेंगे। ओके चलो पेंट लेके आते। चल चल, चल, चल। ये नहीं हो रहा है। अरे कोई है, अरे अरे कोई है, खोलो खोलो खोलो, अरे कोई दरवाजा खोलो। बालवीर, जयवीर, ये काम जितना मुश्किल है उतना ही खतरनाक भी है, और बालवीर खास तौर से आपको बहुत ध्यान देना। रानी परी, अगर आप इजाजत दें तो बालवीर के बदले मैं अदृश्य डाकू पर जाना चाहूं, क्योंकि बालवीर की जान मुझसे ज्यादा कीमती है। नहीं जय, तुम्हें अभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने का उतना अनुभव नहीं है जितना बालवीर को है। लेकिन जयवीर, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बालवीर, आपके विश्वास और उत्साह को देखकर हमें पूरा भरोसा है कि आपको कुछ नहीं होगा, पर ये एक माँ का दिल है जो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हम आपको ऐसे जोखिम भरा काम करते हुए नहीं देख सकते बालवीर। बालपरी, ऐसी स्थिति में यही अच्छा रहेगा कि आप हम लोगों के साथ वहां ना जाएं। आपकी घबराहट देखकर बालवीर का ध्यान और हौसला कम हो सकता है। हाँ माँ, रानी परी सही कह रही है, आप यही रहकर हमारा इंतजार कीजिए, हम यो गए और यूं आए। लेकिन रानी परी, बालवीर जल्दी चलो और आप लोग भी चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है। कुछ ही देर में ये अदृश्य टापू 1000 साल के लिए फिर से अदृश्य हो जाएगा। बालवीर, जयवीर, यहाँ बालवीर, अपना ध्यान रखना बालवीर, संभालना। चलिए याद रहे, जा रहे हैं दो वीर साथ साथ, लेकिन वापस सिर्फ एक ही वीर आना चाहिए। एन मौके पर तुम्हें बालवीर का हाथ छोड़ना होगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा भयंकर परी, इस काम से सिर्फ मैं ही वापस लौटूंगा।